हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ आर स्टूडियो। सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे हमें डिज़ाइन करना है HTML CSS के अंदर। तो लास्ट लेसन में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि फॉर्म के बारे में कि फॉर्म टैग क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इनपुट टाइप्स क्या क्या हैं, सेलेक्ट बॉक्स क्या है, रेडियो, चेकबॉक्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, देन फिर इस ट्यूटोरियल को शुरू कीजिएगा। अदरवाइज़ ये सारा का सारा ट्यूटोरियल जो है वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप पहले जो है मेरा लास्ट सेशन को उसको देखें, राइट ऊपर राइट में आपका जो है उसका लिंक मिल रहा होगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटोशॉप में मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो मैंने कोशिश करी है कि जितना भी हो सके मैं इसमें फॉर्म के एलिमेंट्स जो हैं आपके इंक्लूड कर सकूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इजीली क्लियरली आप इसको यूज़ कर सकें और आपको सारे एलिमेंट्स जो है फॉर्म के मोस्टली पता चल जाए। तो चलिए फिर, और यहाँ पर अगर हम चलते हैं आगे HTML के अंदर, तो HTML में मैंने एक बेसिक HTML डिज़ाइन करके रखा हुआ है यहाँ पे। HTML का जो बेसिक शेप होता है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें मैंने क्या किया है कि गूगल फॉन्ट को मैंने इंपोर्ट किया है और यहाँ पे उसको बॉडी के अंदर उसको कॉल कराया हुआ है, राइट। तो अगर आपको नहीं पता है कि फॉन्ट को कैसे इंपोर्ट कराना है तो ऊपर राइट में मेरा ट्यूटोरियल का लिंक आ रहा होगा, जिसमें कि मैंने क्लियरली बता रखा है कि गूगल फॉन्ट या फिर कोई भी हमें आउटर फॉन्ट हम लोग को यूज़ करना है तो वो हम लोग उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, राइट। और सेम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी है बॉक्स साइजिंग की, जो कि मैंने आपको कुछ पुराने ट्यूटोरियल्स में अगर आपने देखा होगा मेरा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बॉक्स साइजिंग के बारे में मैंने क्लियरली उसको बता रखा है, राइट। तो उसको आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में इमेज चाहिए होगी, उसके ऊपर एक बॉक्स चाहिए होगा, उसके अंदर हमें बाकी सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड में इमेज लगा लेते हैं। तो बैकग्राउंड में इमेज के लिए हमें पूरे बॉडी में हमें इमेज चाहिए, तो हमने बॉडी में डाला बैकग्राउंड URL। URL के अंदर हम लोगों ने इमेज का पार्ट दे दिया, इमेजेस फोल्डर के अंदर BG के नाम से मैंने ऑलरेडी जो इमेज है वो सेव करके रखी हुई है। अगर आपको डिज़ाइन करना नहीं आता है, फोटोशॉप नहीं आता है, तो मैंने इस इमेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा ब्राउज़र में कि ये हमारी इमेज आ गई है यहाँ पे। तो अब उसके बाद में हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले HTML का स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट से, उसके बाद में हम लोग उसका CSS पे पार्ट पे काम करेंगे। तो सबसे पहले एक आउटर बॉक्स हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, राइट। उसके अंदर में फिर हम लोग हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके अंदर में इनपुट फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले आउटर बॉक्स ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे टिप ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, और यहाँ पे दे लेते हैं हम लोग अपना फॉर्म, हम लोग दे देते हैं डिप या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख लेते हैं, थोड़ा ईजी रहेगा समझने में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे देना है हेडिंग, उसके अंदर भी हम लोग क्लास दे देंगे हेडिंग। बेटर है जितने भी एलिमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं सबके अंदर हम लोग जो अपना क्लास देते चले, राइट। REGIS रजिस्टर नाउ, राइट। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया है, राइट। तो अब हम आउटर बॉक्स बना लेते हैं। आउटर बॉक्स बनाने के लिए जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 50 पिक्सल ग्राउंड पैडिंग दी है, और बैकग्राउंड में वाइट कलर है, बॉर्डर रेडियस है और बॉक्स शेडो है, तो ये भी दे लेते हैं हम लोग। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चलते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालते हैं, क्लास लिखते हैं, क्लास के अंदर हम लोग CSS देना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बैकग्राउंड कलर, हैश 1 2 3 4 5 6 वाइट, वाइट कलर मेरा आ गया, मैंने ब्राउज़र पर जाके रिफ्रेश किया, आ गया है। हमें विड्थ देनी है इसकी, तो इसकी अभी जो यहाँ पे विड्थ है वो अप्रोक्स 650 है, अप्रोक्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 660 पिक्सल। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, विड्थ आ गई है। अब इसको सेंटर में करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमें किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर में करना है तो हम इसमें मार्जिन देते हैं 0, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से ऑटो देते हैं, राइट। अब मुझे यहाँ पे टॉप बॉटम से मार्जिन चाहिए, तो मैंने टॉप बॉटम से मार्जिन दे दिया अभी के लिए 30 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से ऑटो, ताकि वो मेरा जो है सेंटर में आ जाए, राइट। अगेन पैडिंग, पैडिंग देनी है हमें 50 पिक्सल चारों साइड से, ताकि चारों साइड से स्पेस आ जाए, राइट। आगे स्पेस, बॉर्डर रेडियस देना है हमें, बॉर्डर रेडियस देते हैं हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल। सेव करते हैं, देखा आपने देखा होगा तो कॉर्नर जो है वो रेडियस हो गए हैं। उसके बाद में बॉक्स शेडो देते हैं, बॉक्स शेडो, अभी आपको बॉक्स शेडो के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा सा भी आप इसको जितना मैं दे रहा हूँ आप अभी उसी को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आगे जब बॉक्स शेडो के बारे में क्लियरली हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा उसको कैसे यूज़ करना है, राइट। ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा आ गया है तो ये हट जाएगा। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, ये बॉक्स शेडो आ गई, राइट। बॉक्स शेडो मैंने दिया 10, और जो कलर मैंने दिया है उसका RGB दिया है,
राइट। अभी आप बॉक्स शैडो के बारे में मैंने इतना बताया नहीं है, तो इसको भी आप ऐसे रहने दीजिएगा जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा बॉक्स शैडो को हमें कैसे यूज़ करना है, राइट। तो मेरा एक बॉक्स का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब जो है जितना भी हम लोगों ने लास्ट में हम लोगों ने फॉर्म के बारे में पढ़ा था, राइट, उसका हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन फिर हम लोग सीसेस पे काम करेंगे, ठीक है। तो एक डिप हमारा ये बनेगा, उस डिप के अंदर हम लोग एक लेबल लेंगे और एक इनपुट लेंगे, राइट। तो उसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसको पूरा कर डिज़ाइन करेंगे, देन हम लोग इसमें सीसेस इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि अगर हम सबसे पहले एक बॉक्स देख लेते हैं, डिप देते हैं, क्लास देते हैं, फॉर्म ग्रुप, राइट, क्योंकि हमारे दो फॉर्म का ग्रुप है। बट उससे पहले यहाँ पे हमारा फॉर्म शुरू होता है, तो हमें सबसे पहले फॉर्म टैग लगाना ज़रूरी है, और इसके अंदर जो भी हमें जो दो चीज़ें होती हैं विच इज़ एक्शन और एक मेथड, ये हमें देना ज़रूरी है ताकि जो हमारा जो डेवलपर है वो अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सके। तो एज अ डिज़ाइनर हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग के जो दो एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म के अंदर वो डाल के हमें देने ही हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें लेबल देना है, लेबल दिया मैंने, लेबल दिया अगेन, और उसके अंदर हम लोगों ने नाम दिया फर्स्ट नेम, और उसके अंदर स्पैन लिखेंगे ताकि हम लोग को जो स्टार है उसका डिफरेंट कलर है उसको हम लोग इजीली सीएसएस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्लास दे देते हैं, लेबल के अंदर भी क्लास दे देते हैं लेबल। उसके बाद हमें इनपुट बनाना है, इनपुट देते हैं टाइप, देते हैं टाइप के अंदर हम लोग देते हैं टेक्स्ट, क्योंकि हमारा खाली नेम जाएगा इसके अंदर में। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में हम लोग को देना है फर्स्ट नेम, राइट। उसके बाद में हमें देना है क्लास ताकि हम इसको इनपुट बॉक्स को अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकें। फॉर्म कंट्रोल आप कुछ भी क्लास दे सकते हैं, यहाँ पर तो मैंने ऐसी दे दी। उसके बाद में आईडी दे देंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम, और ध्यान रखिएगा जैसा कि मैंने बताया था कि जो हम आईडी देते हैं वो हमें यहाँ पे फॉर्म में भी लिखना होता है, ताकि अगर हम लेवल पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट पे फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हमें सारी चीज़ें बनानी है, तो उसको फटाफट से बना लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया पूरा का पूरा HTML का। अब इसको हम लोग जो है CSS में इसको डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट होता है कि ये चीज़ हम लोगों ने क्यों की है, कैसे की है, आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमें फेसबुक इंस्टा पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको जो है वो क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि क्या क्या हम लोगों ने इसमें वो चीज़ हम लोगों ने क्यों की है, अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर हम लोग अब इसको CSS देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेबलों को डिज़ाइन करते हैं या फिर हेडिंग को डिज़ाइन करते हैं, हेडिंग से शुरू करते हैं। तो हेडिंग को ले लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे क्लास देते हैं डॉट हेडिंग, राइट। इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं जो हमने उसमें दिया हुआ है, फॉन्ट साइज में हमारा है 32 पिक्सल, राइट। फॉन्ट साइज हमने दे दिया, सेव किया, और हमें मार्जिन नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हमें मार्जिन जीरो करना होगा, जैसे कि हमने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको मार्जिन लेता है, राइट, मार्जिन जीरो हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में एक छोटी सी बार आ रही है। इस बार को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्लैंक डिव ले लेंगे अभी के लिए डिव, और यहाँ पे हम लोग क्लास दे देते हैं बार। अब इस बार को हमें डिज़ाइन करना है, तो इस बार को डिज़ाइन करने के लिए सेम जैसे डॉट बार लेंगे, CSS देंगे, हम देंगे यहाँ पे विड्थ हमने दी 100 पिक्सल, हाइट दी हमने 5 पिक्सल, ताकि छोटा सा पतला सा बार हो जाएगा, और हमें इसमें देना है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो हम लोगों ने जो इसमें डिज़ाइन में है हम लोग वही बैकग्राउंड कलर देंगे। तो कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, चल के रिफ्रेश करते हैं तो बार आ गई है, स्पेस सही है मुझे। तो हम लोग दे देंगे मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल सपोज, लेफ्ट राइट से हमें नहीं चाहिए, बॉटम से चाहिए 30 पिक्सल, ताकि मेरा जो एरिया है वो थोड़ा नीचे हो जाए, हो गया। अब इसके बाद हमें लेबल को डिज़ाइन करना है, तो लेबल को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लेबल में ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास दी है, तो इस लेबल को क्लास को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चल के हम लोग देते हैं डॉट लेबल, राइट। फॉन्ट साइज हम लोग दे देते हैं, फॉन्ट साइज है हमारा 16 पिक्सल, राइट। तो अभी आप देख रहे होंगे तो मेरा जो इनपुट बॉक्स है वो नीचे आ रहा है,
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेबल को देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि जो है मेरा एक इनलाइन एलिमेंट से ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। पूरा सीधा हो गया, वो नीचे आ गया ऑटोमेटिकली, सारे के सारे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे आ गए। इसके बाद में हमें देना है लेवल के अंदर में जो हमारा जो स्पैन हमने दिया है, राइट, उसका हमें कलर चेंज करना है। तो स्पैन का हम लोग कलर चेंज कर देंगे, कलर दे देंगे हैश FF 1 2 3 4 रेड कलर। सेव करते हैं, यहाँ पर चल के रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा तो उसका जो स्टार था वो भी हमारा कलर चेंज हो गया, राइट। अब बारी आती है इनपुट को डिज़ाइन करने की, इनपुट को डिज़ाइन कर लेते हैं। इनपुट में मैंने यहाँ पे क्लास दी है फॉर्म कंट्रोल की, तो कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं फॉर्म कंट्रोल की क्लास, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं विड्थ सबसे पहले 100% ताकि जितना भी बड़ा मेरा एरिया है उसकी जितनी इसकी विड्थ हो जाएगी, राइट। डिस्प्ले हमें इसके ब्लॉक देना होगा क्योंकि ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है, नहीं तो फिर हमारी जो पैडिंग और जो भी हम डिज़ाइन देंगे वो ये नहीं लेगा, राइट। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, राइट। उसके बाद में हमें यहाँ पे देना है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं इसके अंदर में, बैकग्राउंड कलर को कॉपी कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर मेरा आ गया, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश किया तो बैकग्राउंड कलर आ गया है। सेकंड अब हमारा आता है बॉर्डर, तो बॉर्डर को भी कॉपी कर लेते हैं, बॉर्डर कलर को बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड और उसका कलर। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, बॉर्डर भी आ गया। अभी आप देख रहे होंगे तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट, और जो टेक्स्ट है उसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, हमारे में टेक्स्ट के बीच में स्पेस कम है, तो हमें टेक्स्ट में स्पेस ज़्यादा देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग, क्योंकि हमें उसके इनर स्पेस को बढ़ाना है, तो पैडिंग दे दी मैंने। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, ये आ गया, राइट। अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बट ठीक है। और इसके अंदर का जो फॉन्ट साइज़ है हमें वो भी चेंज करना होगा, तो अंदर का भी फॉन्ट साइज़ हमें 16 pixel देना है, राइट। अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको हम कम कर लेते हैं, 12 pixel स्पेस 15 pixel। तो मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसा हमारा डिज़ाइन है अप्रॉक्स लगभग लगभग हम लोग उसको वैसा ही डिज़ाइन करें, उसे चेंज ना करें, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं तो स्पैन इनपुट और लेबल के बीच में स्पेस आना चाहिए, हमारे में स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस हमने दे रखा है, तो उसमें स्पेस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेवल है उसके अंदर में हम लोग मार्जिन देंगे बॉटम से, सपोज 10 pixel। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो स्पेस आ गया आपने देखा, राइट। अब क्या है कि हमारा यहाँ पे इस इनपुट के और लेबल के बीच में स्पेस है, राइट। अब हमें ये स्पेस देना है, इस स्पेस को देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एलिमेंट डिव बना के रखी हुई है जिसका नाम फॉर्म ग्रुप है, ताकि इसके और दोनों ग्रुप के बीच में हमारे पास में स्पेस आ जाएगा, राइट। तो फॉर्म ग्रुप की क्लास को पकड़ के हम लोग को देना है मार्जिन बॉटम, मैंने दिया यहाँ पे मार्जिन बॉटम सपोज 30 pixel। अभी के लिए सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस आ गया है, अभी ज़्यादा है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो लेट्स से 20 कर लेते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे चल के, राइट। तो ये हो गया मेरे पास में, तैयार हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे मेल फीमेल है, तो इसके बीच में थोड़ा सा आपका गैप है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, मैंने यहाँ पे लेवल बना रखा है ऑलरेडी चेकबॉक्स रेडियो का, राइट। इस लेवल के हम थोड़ा नई क्लास दे देते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं मेल दे देते हैं हम लोग, मेल क्लास मैंने दी यहाँ पे। अब मेल क्लास को कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं नीचे, डॉट मेल को देते हैं मार्जिन राइट, ताकि जो हमारा जो इसके जो मेल वाले के जो राइट में है वो स्पेस आ जाएगा, राइट 20 pixel। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे स्पेस बढ़ गया मेरा ऑटोमेटिकली। अब सेम ऐसे ही पासवर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में गैप आना चाहिए, तो सेम ऐसे ही पासवर्ड में चलेंगे, तो पासवर्ड वाले में यहाँ पे हमारे पास फॉर्म ग्रुप ऑलरेडी एक क्लास दी हुई है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक और क्लास दे देते हैं मार्जिन बॉटम से के नाम से, राइट। मार्जिन बॉटम यानी कि MB हमने एक क्लास दे दी है। अब इसको पकड़ के हम लोग जो है यहाँ पे क्लास देंगे डॉट MB मार्जिन बॉटम 15 pixel। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र पे चल के, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे भी गैप आ गया मेरा इजीली। अब इसके बाद में आप अगर यहाँ पे चलेंगे नीचे तो आई एग्री आ गया, टर्म एंड कंडीशन आ गया, राइट। आई एग्री टर्म एंड कंडीशन मेरा आ रहा है, बट मेरा जो कलर है वो चेंज है, तो मुझे कलर उसका जो यहाँ पे दिया हुआ डिज़ाइन में मुझे वो कलर देना होगा, तो कलर कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे चलके पेस्ट करते हैं। उसके अंदर में हम लोग जो है क्लास दे देते हैं, क्लास देते हैं मेरा यहाँ पे हम लोग क्लास देते हैं TNC, या जो भी आपकी इच्छा आप वो यहाँ पे क्लास दे सकते हैं। TNC दी मैंने, तो TNC क्लास को पकड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देते हैं कलर, राइट, और हैश कलर देते हैं, उसको बंद करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, उसका कलर भी जो है वो
चेंज हो गया, राइट, क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हमें डिज़ाइन करना है रजिस्टर बटन। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी एक बार डिज़ाइन कर चुके हैं इसको, तो एक बार फिर से हम लोग उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। कैसे डिज़ाइन करना है यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी बटन के अंदर क्लास दे रखी है सबमिट बटन के अंदर में। तो इस क्लास को हम लोग पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर चल के पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको फुल विड्थ बनाना है, तो फुल विड्थ बनाने के लिए हम लोग पहले इसको इनलाइन से ब्लॉक करेंगे। तो डिस्प्ले ब्लॉक देते हैं और फिर यहाँ पे देते हैं विड्थ 100%, ताकि जो विड्थ है उसकी फुल जाएगी। बैकग्राउंड कलर हमें देना है, जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर उसमें दिया हुआ है, तो बैकग्राउंड कलर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चल के हम लोग उसको पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं। ब्राउज़र यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया है, राइट। अब आपने देखा तो इसमें बीच में ऑलरेडी स्पेडिंग है, दोनों साइड में कलर जो है इसका वाइट है। तो पहले फॉन्ट साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल और पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल चलेगा। सेव करते हैं, यहाँ पर चल कर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया। अभी इसके चारों साइड आप देख रहे होंगे तो एक बॉर्डर आ रहा है जीप सा, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हमें इसको बॉर्डर को करना होगा नन, जीरो कर दिया मैंने, रिफ्रेश किया, मेरा बॉर्डर चला गया। अब इसको मुझे जो है वाइट करना है, तो कलर वाइट, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं इस पर कर्सर पॉइंटर नहीं आ रहा है, मतलब जैसे कि इस लिंक पे आप देख रहे हो तो हाथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे हाथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये इनपुट की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है। तो उसमें हम लोग देंगे कर्सर पॉइंटर। जैसे मैंने कर्सर पॉइंटर दिया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे तो मेरे जैसे यहाँ पे लेके आऊँगा वो कर्सर बन जाएगा, राइट। पैडिंग थोड़ी सी हम लोग बढ़ा लेते हैं, लेट्स से 12 पिक्सल 15 कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, राइट। अब इस पर सब हो गया, अब इससे मुझे होवर इफेक्ट देना है। तो होवर इफेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बटन पे जाएंगे, आगे कॉलन देंगे, ओवर देंगे। ओवर में मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया ब्लैक और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट का वाइट ही रहेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे मैंने इस पर ओवर किया है, मेरा ब्लैक हो गया और ये वाइट हो गया, राइट। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसा हमारा डिज़ाइन में था, राइट, जैसा आप यहाँ पर डिज़ाइन में देख रहे हैं एक्यूरेट एग्जैक्ट वैसा ही हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो हमने डिज़ाइन कर लिया है एग्जैक्टली, राइट। अब आप चाहें तो इसकी विड्थ कम करना चाहें, आप विड्थ कम कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जो विड्थ है वो छोटी हो जाएगी। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, विड्थ छोटी हो गई, सब चीज़ ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप, क्योंकि हमने किसी की भी विड्थ जो है वो फिक्स नहीं करी है, राइट। तो ये था रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ट्यूटोरियल, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर ये आप लोगों को पसंद आया है, आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपके जितने भी लेटेस्ट नए नए ट्यूटोरियल्स जो मैं लेकर के आने वाला हूँ वो आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।